रही हूँ मैं योगाचार्य भारती। मेरे चैनल शिव योगिनी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं हमेशा ही आपको हेल्थ टिप्स देती रहती हूँ, तो आज भी मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी जरूरी बातें जिनको फॉलो यदि आप करेंगे तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो देखिए, अगर आपने हेल्दी होना है तो आपको सबसे पहले आप क्या खा रहे हैं इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि अगर आप कुछ भी गलत खा रहे हैं, यदि गलत डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आपकी दिनचर्या बिल्कुल गड़बड़ है तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते हैं। तो 5 बातें जो मैंने आपके लिए नोट की हैं वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जिनको आप ज़रूर फॉलो करें यदि आप हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पानी की। तो देखिए, ड्रिंक मोर वाटर मीन्स कि आप डेली कम से कम 8 ग्लास पानी ज़रूर पिए यदि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं। देखिए, 8 ग्लास पानी क्यों आपने पीना है, वो इसलिए क्योंकि यदि आप पानी अच्छे से पिएंगे तो आपके जितने भी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में हैं वैसे भी रिमूव हो जाएंगे। तो कम से कम 8 ग्लास पानी आपने रोज़ाना पीना है। और साथ ही साथ आप बात करेंगे फ्रूट्स की। तो देखिए, ब्रेकफास्ट से पहले यदि आप फ्रूट्स लेते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, यानी कि आपका जो पूरी बॉडी है अच्छे से वर्क करेगी और आपको जितने भी न्यूट्रिशंस हैं सारे मिलेंगे। तो आपने ब्रेकफास्ट से पहले फ्रूट्स लेना ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये भी एक टिप्स है आपकी हेल्दी बॉडी के लिए। साथ ही साथ आप जब खाना खाते तो सबसे ज़्यादा आप वेजिटेबल्स अपने खाने में यूज़ करें, जैसे कि यदि आप चपाती ले रहे हैं या फिर आप राइस खा रहे हैं तो खाएं, बिल्कुल खाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा आपको वेजिटेबल्स लेनी है, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप ऐसा करते तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। और कम से कम यदि आप एक्सरसाइज नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम 30 मिनट्स वॉक रोज़ाना करें, यानी कि बॉडी को अपने बिल्कुल जाम ना कर दे एक मशीन की तरह, क्योंकि यदि किसी मशीन को ना चलाया जाए तो क्या होता है उसमें कि वो जाम पड़ जाती है। वही हमारी बॉडी होती है, क्योंकि हमारी जो बॉडी के जॉइंट्स एक मशीन की तरह काम करते हैं। तो कम से कम 30 मिनट्स आपने वॉक ज़रूर करना है। अब बात आती है, देखिए वैसे तो मीट बहुत लोग खाते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप वेजिटेरियन बने। जितना ज़्यादा आप वेजिटेरियन बनेंगे यानी कि आप एक्सप्लोर करेंगे, आप मीट को इग्नोर करेंगे, अवॉइड करेंगे, आप देखेंगे कि आपके में चमत्कारी का असर हो रहा है। तो आप इसे भी फॉलो करना एक बार कोशिश कीजिए। यदि आप वेजिटेरियन बनते हैं, वेजिटेरियन फॉलो करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अलग असर नज़र आएगा। इसको भी एक बार फॉलो कीजिएगा। और तो यदि आप ये 5 बातें फॉलो करते हैं तो आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, और इसे ज़रूर फॉलो कीजिए। आप सभी का मंगल हो, आप सभी खुश रहें, मुस्कुराते रहें। हरिओम।